Hey friends, Assalamualaikum. Welcome back once again to Rabia's Kitchen. Friends, आज हम बनाने वाले हैं सीताफल की रबड़ी. बहुत ही सिंपल और शुगर फ्री रखेंगे हम. मैंने यहाँ पर कुछ इंग्रेडिएंट्स लिए हैं. आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर लिए हैं 2 सीताफल. तकरीबन वो अच्छे बड़े हैं, तो मैंने इसको सीडलेस कर दिया है. इस तरह से मैंने यहाँ पर उसे रख दिया है. ये है इलायची पाउडर. फ्रेंड्स, ये हमें लेना है इलायची पाउडर तकरीबन 1/2 टीस्पून. यहाँ पर मैंने कुछ नट्स लिए हैं. आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर बादाम लिए हैं एंड काजू. उसे थोड़ा रफली चॉप करना है. एंड अभी ये एक सरप्राइज एलिमेंट है कि हम रबड़ी जो आधा किलो की बनाएंगे उसमें एग्जैक्ट वो आधा किलो ही रबड़ी बनेगी, आधा किलो दूध में. उसके लिए मैंने यहाँ पर गेहूं का आटा लिया है तकरीबन 1/2 टीस्पून और उसे दूध में इस तरह से घोल कर रख दिया है. इसे हमें अच्छे से फेंट लेना है ताकि लम्प फ्री रहे. सो लेट्स स्टार्ट विद द प्रोसेस. सबसे पहले फ्रेंड्स, हमने यहाँ पर आधा किलो जो बॉईल करने रख दिया है वो है मिल्क. ये अच्छे से जब बॉईल होने लगे तब हम इसमें ऐड कर देंगे इलायची पाउडर. ये इलायची पाउडर इसमें डालना है. इसे दे देंगे एक अच्छा सा स्टर. इलायची का अरोमा, उसकी फ्रेग्रेंस बहुत अच्छी लगेगी. ये अच्छे से बॉईल हो चुका है इस तरह से. ये फुल फैट मिल्क भी आप ले सकते हैं या फिर आप स्किम्ड मिल्क भी ले सकते हैं. अब इसमें ऐड कर देंगे हम व्हीट फ्लार की स्लरी जो हमने बनाई है. एंड इसे जल्दी से हमें अभी अच्छे से स्टर करना है ताकि लम्स फॉर्म ना हो. और इसे स्लो पे ही हम कुक करेंगे ताकि ये धीरे धीरे अच्छे से थिक हो जाए. सो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कितनी मलाईदार और बहुत ही थिक ये दूध हो गया है. बहुत अच्छे से जो हमने व्हीट फ्लार की स्लरी इसमें डाली है वो बहुत अच्छे से इसके पकाना है हमें दूध को. और बिल्कुल भी उसमें उसकी सुगंध नहीं रहेगी, वो स्मेल नहीं रहेगी. व्हीट फ्लार का कच्चापन बिल्कुल भी नहीं रहेगा. सो डू नॉट वरी विद दैट. सो ये प्रॉपर आधा लीटर दूध या आधा किलो दूध में हमने आधा किलो ही रबड़ी बनानी है, या रबड़ी खीर कह दीजिए इसे. अब इसे हम थोड़ा और फ्लेवर देंगे थोड़े से सैफरन स्ट्रैंड्स डाल के. इससे बहुत अच्छी खुशबू और एक अच्छा रंग भी आ जाएगा इसमें. इसमें डाल देंगे हम अभी नट्स जो हमने चॉप किए हैं. अकॉर्डिंग टू योर चॉइस आप कोई भी नट्स इसमें यूज कर सकते हैं. मैं यहाँ पर बादाम और काजू इस्तेमाल कर रही हूँ. आप इसमें पिस्ता है, चारोली हो गई, वो भी आप डाल सकते हैं. अब इसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे कस्टर्ड एप्पल प्लस सीताफल जिसे हमने सीडलेस करके रखा था. मैंने इसमें शुगर नहीं ऐड किया है. आई एम कीपिंग दिस शुगर फ्री खीर. दैट इज वेरी गुड फॉर इवन डायबिटिक पीपल, वो लोग भी खा सकते हैं. बिकॉज ऑलरेडी कस्टर्ड एप्पल में बहुत शुगर कंटेंट रहता है. सो आप देख सकते हैं अब ये इसे थोड़ी देर हम और पकाएंगे और ये और भी थिक हो जाएगी. परफेक्टली डन. अब मैं गैस को जिस तरह से स्लो फ्लेम पे ही हमें रख के इसे अराउंड 10 मिनट्स कवर करके हम रख देंगे. आप देख सकते हैं इसका थिकनेस बहुत ही जबरदस्त और बहुत ही फ्लेवरफुल हमारी सीताफल की रबड़ी बन के तैयार हो जाएगी. सो अल्हम्दुलिल्लाह फ्रेंड्स, हमारी आज की जो रेसिपी है सीताफल की रबड़ी वो हो गई है तैयार. आई होप आप लोगों को ये पसंद आई हो. तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करने भूलिएगा मत. एंड प्लीज फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम @rabiaskitchen10. इंशाल्लाह फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़.